नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकार स्टडी विथ। देखिए दोस्तों, आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में ही पढ़ेंगे, परंतु ऑपरेटिंग सिस्टम का एक प्रकार है जो बेसिक चीज था, यानी कि सबसे शुरुआती तौर पर जो यूज किया जाता था ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में, उसे हम बोलते हैं MS-DOS, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डॉस। इसकी थोड़ी लंबी कहानी है, मतलब ये इसका नाम पहले MS-DOS नहीं था, ये किसी दूसरी कंपनी के द्वारा बनाया गया था, यानी कि दूसरी कंपनी के द्वारा प्रोडक्ट किया गया था, और इसको बाद में माइक्रोसॉफ्ट ने इसको परचेज किया था और इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, माइक्रोसॉफ्ट डॉस। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें देखेंगे और ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर है। इसके बाद जो लेक्चर आएगा वो कमांड वाला हम पढ़ेंगे, यानी कि जो कमांड होती है इसकी, इसके अंतर्गत हम जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं, यानी कि जो भी काम करवाना वो कमांड के माध्यम से करवाते हैं, यानी कि इंस्ट्रक्शंस के माध्यम से करवाते हैं, जिसे हम निर्देश बोलते हैं। तो उन सारी चीजों को हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो ये है हमारा माइक्रोसॉफ्ट डॉस, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इस लेक्चर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात आती है ऑपरेटिंग सिस्टम की। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, आपको पता होगा, जब आपने पिछले जो विंडोज़ के जो वीडियो पढ़े होंगे, आप प्लेलिस्ट में जाकर यहाँ से देख सकते हैं विंडोज़ के वीडियोज़, तो उसमें आप ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में कंप्लीट डिटेल में दिया गया है, उसमें पढ़ सकते हैं। हालांकि इसमें भी मैं ओवरव्यू दे दूंगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है, जैसे मान लो हमारे पास में, देखिए आपके पास में ये हार्डवेयर है, ठीक है। हार्डवेयर आप जैसे कंप्यूटर परचेस करके लाते हो शॉप से, ठीक है, कोई कंप्यूटर की दुकान से आपने परचेस करे कंप्यूटर, और उसके बाद जो हार्डवेयर होते हैं, यानी कि सीपीयू होता है, रैम होती है, इनपुट आउटपुट डिवाइस, यानी कि जो माउस और कीबोर्ड होते हैं आपके, और अदर चीज़ें बोल सकते हैं आप, जैसे मान लो मॉनिटर बोल सकते हैं, प्रिंटर बोल सकते हैं, ये सभी चीज़ें जो होती है हार्डवेयर होती है। अब हार्डवेयर और यहाँ हम है, मतलब हम यूज़र है, ठीक है, यूज़र और हार्डवेयर के मध्य कम्युनिकेशन कैसे होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये मशीन लैंग्वेज को सपोर्ट करती है और ये हम ह्यूमन रीडेबल लैंग्वेज को सपोर्ट करते हैं। तो दोनों के मध्य कम्युनिकेशन कराने के लिए यहां पे बीच में होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसे हम बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर, और सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी पे आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ऑपरेटिंग सिस्टम की महत्वपूर्ण भूमिका आप समझ गए होंगे। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम कैपेबल बना देता है सिस्टम को, यानी कि जो हमारा कंप्यूटर है उसको कैपेबल रूप से तैयार कर देता है कि वो अदर सॉफ्टवेयर को उसमें रन करा सके, मतलब एनवायरमेंट को तैयार कर देता है ताकि उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी रन हो सके और कुछ अदर सॉफ्टवेयर जो कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, वो सारी चीज़ें रन हो सके। तो हम बोल सकते हैं कि यूज़र और मशीन के बीच में कम्युनिकेशन का माध्यम कौन है, यानी कि इंटरमीडिएट रूप से कौन वर्क करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ऑपरेटिंग सिस्टम हम बोल सकते हैं अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं, जैसे हमने पीछे पढ़ चुके हैं विंडोज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, अभी हम पढ़ेंगे डॉस के बारे में, फिर पढ़ेंगे हम लिनक्स के बारे में, और लिनक्स के पहले एक और आया था जिसे हम बोलते हैं यूनिक्स, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे वन वे, मतलब वन बाय वन। तो पहले हमने विंडोज के बारे में पढ़ चुके, अब हम पढ़ रहे हैं इसमें डॉस के बारे में। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का आप समझ गए होंगे क्या महत्वपूर्ण भूमिका होती है हमारे कंप्यूटर के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो ऑपरेटिंग सिस्टम है कुछ मेजर सर्विसेज को एग्जीक्यूट करता है हमारे सिस्टम के अंतर्गत। तो हम देख सकते हैं मेमोरी को मैनेज करता है, मतलब मेमोरी को किस प्रकार जो है आवंटित करना है या किस प्रकार एलोकेट करना है किसी भी प्रोसेस को, उसके लिए मैनेजमेंट का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। फिर सारी जो प्रोसेसेस होती है, यानी कि हमारे सिस्टम में एक के बाद एक प्रोसेस दी जाती है, तो उसको शेड्यूल करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। डिवाइस को मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट बोले तो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड जो भी डिवाइस होती है, जैसे आप बोल सकते हैं कीबोर्ड माउस हो गया, सीपीयू हो गया, प्रिंटर हो गया, ये जितनी भी डिवाइस है उसको मैनेज करने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाता है। फिर देखते हैं फाइल का मैनेजमेंट। फाइल मैनेजमेंट से मतलब होता है किसी फाइल को बनाना, उसको कॉपी करना, उसमें डाटा को राइट करना, ये बहुत सारी चीज़ें जो होती है फाइल को मैनेज करने का काम भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। सिक्योरिटी मैनेजमेंट, यानी कि किसी अदर या अनऑथराइज्ड व्यक्ति के द्वारा उसको एक्सेस ना किया जा सके, ये सारी चीज़। या फिर आप बोल सकते हैं कंप्यूटर जब स्टार्ट होता है तो आप यूज़र अकाउंट बना सकते हैं, तो यूज़र अकाउंट में क्या होता है, सिक्योरिटी हम मैनेज कर सकते हैं किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उसको नुकसान ना किया जा सके, तो ये काम भी किसके द्वारा किया जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा। सिस्टम परफॉर्मेंस को देखना, मतलब सिस्टम स्लो हो रहा है कि मतलब जो भी उसकी परफॉर्मेंस है घट रही है, ये सारी चीजों को मैनेज करने का काम कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम आई है तो एरर बताने का काम भी ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा किया जाएगा। और ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है कि सॉफ्टवेयर और यूजर के बीच में तालमेल बनाने का काम भी कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये मेजर सर्विसेज थी, ये सारी चीजें हमने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ चुके हैं पीछे, फिर भी हमने यहां देख ली हैं। अब देख लेते हैं हम टाइप्स होते हैं किस ऑपरेटिंग
ऑपरेटिंग सिस्टम के। तो सिंपल बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, यहाँ पर कंपाइलर और यूजर के मध्य डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं था, मतलब जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता था किसी अदर मेमोरी में रखा जाता था और उस अदर मेमोरी से फिर कंपाइलर रन करता था, तो बहुत टाइम हो जाता था मतलब प्रोसेस को रन करने में। फिर उसके बाद थोड़ा अपग्रेड होकर आई मल्टी प्रोग्रामिंग बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें जो है डायरेक्ट इंटरेक्शन चालू हो गया तो जल्दी प्रोसेस होने लगी। फिर मल्टी प्रोसेसर यानी कि इसमें एक से अधिक सीपीयू लगे जाने लगे, मतलब एक से अधिक सीपीयू अगर एक काम को करेंगे तो बहुत जल्दी काम होगा। फिर डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब एक बड़ी प्रोसेस को अलग अलग बांट देना, मतलब बहुत से भागों में बांट देना, उसे बोलते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड। इसमें क्या हो गया, जो लोड था उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाने लगा और जल्दी काम होने लगा। फिर रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम मतलब एक एग्जैक्ट टाइमिंग में, जैसे मिसाइल या फिर मिसाइल बोल सकते हैं या फिर रॉकेट लॉन्चिंग बोल सकते हैं, टिकट बुकिंग, सैटेलाइट, ये सारी चीज़ जो होती है इनमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग किया जाता है वो कहलाता है रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आगे देखते हैं हम क्या फाइल के एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत फाइल के कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं। जैसे हम किसी फाइल को बनाते हैं, जैसे मान लो हमने एक फाइल बनाया एमएस वर्ड में, ठीक है, एमएस वर्ड में हमने एक फाइल बनाया है, तो उस फाइल का एक नाम होगा, ठीक है, नाम रख दिया हमने, नाम के बाद उसका टाइप होगा, बोले तो एमएस वर्ड का जो फाइल का एक्सटेंशन होगा क्या होगा, DOCX, ठीक है। लोकेशन होगी कि सी ड्राइव में सेव हो रही, डी ड्राइव में, साइज होगा जैसे हम बोल सकते हैं 25 KB हो सकता है, MB में हो सकता है। प्रोटेक्शन, हम उसे किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के द्वारा यूज से रोक सकते हैं यानी कि प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो ये सभी कहलाते हैं हमारे फाइल के एट्रीब्यूट, ठीक है। अब फाइल में कुछ ऑपरेशन होते हैं, मतलब फाइल को चलाने के लिए कुछ ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि हम देख सकते हैं फाइल को बनाना, मतलब किसी फाइल को बनाते हैं हम, उसमें डाटा को राइट करते हैं, लिखते हैं, उसमें से जो लिखे गए डाटा उसको पढ़ना पड़ता है, डाटा मतलब जो फाइल है उसको कॉपी कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं मूव कराकर, और साथ में डिलीट कर सकते हैं, तो ये सभी कहलाते हैं फाइल के ऑपरेशन, मतलब फाइल को संचालित करने के लिए हम इतने प्रकार के ऑपरेशन उसमें मैनेज करते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं फाइल के जो सिस्टम है, मतलब फाइल सिस्टम के जो टाइप्स होते हैं। अब ये फाइल सिस्टम के जो टाइप्स होते हैं वो कहाँ यूज़ किए जाते हैं, जैसे मान लो ये हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में किस प्रकार से डाटा रिकॉर्ड को मैनेज किया जाएगा, मतलब किस टेबल के फॉर्मेट में रखा जाएगा या फिर किस प्रकार डाटा को स्टोर किया जाएगा, इस टेक्नोलॉजी को बोलते हैं हम फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम मुख्यतः चार होती है परंतु हम दो यूज़ करते हैं, कौन कौन सी, NTFS और FAT, FAT यानी कि फाइल एलोकेशन टेबल और NTFS यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। तो सबसे पहले हम देखते हैं REFS यानी कि रीसाइलेंट फाइल सिस्टम, तो एक प्रकार से न्यू जनरेशन फाइल सिस्टम है। यह डाटा करप्शन यानी कि डाटा का जो करप्ट हो जाना है वो उसे हम बोलते हैं डाटा करप्शन, और डाउन टाइम जैसी प्रॉब्लम से ये निजात दिलाता, मतलब जो टाइम ज़्यादा लगता था उसकी जो प्रॉब्लम आती थी उससे ये उन्हें छुटकारा दिलाया है ये वाला फाइल सिस्टम ने। और इस फाइल सिस्टम को यूज़ करने के लिए विंडोज 8 या विंडोज सर्वर 2012 की आवश्यकता होती है। इस फाइल सिस्टम का आविष्कार जो है विंडोज स्टोरेज स्पेस के साथ काम करने हेतु किया गया था। तो यह जान लिए कि इसमें डाटा करप्शन और डाउन टाइम सिस्टम जैसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए इसका जो है आविष्कार किया था। और फिर इसके बाद है NTFS यानी कि न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम, तो इसका आविष्कार जो किया गया था 1993 में हुआ था। और इस फाइल सिस्टम में सिक्योरिटी नहीं होती है, इस फाइल सिस्टम मतलब इस फाइल और फोल्डर लेवल पर सिक्योरिटी मिलती है, और NTFS बाय डिफॉल्ट यूज़ की जाती है। मतलब वर्तमान में कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही है, न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम यानी कि NTFS। इसके पहले जो चलती थी FAT यानी कि फाइल एलोकेशन टेबल और FAT32, ये जो होती है इसमें सिक्योरिटी नहीं होती, एनक्रिप्शन का ऑप्शन भी नहीं होता है और कंप्रेशन का ऑप्शन भी नहीं होता है। यह फाइल सिस्टम जो होता है NTFS और REFS से अधिक उपयोगी होती है क्योंकि ज़्यादातर ये पहले उपयोग की जाती थी। FAT फाइल सिस्टम लगभग हर जगह पर कंपेटेबल यानी कि कंपेटेबल का मतलब होता है पिछले वर्जन, अगले वर्जन सभी में जो है सपोर्टेबल रहती है, और FAT फाइल सिस्टम प्रणाली रिमूवेबल मीडिया के लिए भी उपयोगी होती है। उसके बाद है EXFAT यानी कि एक्सटेंडेड फाइल एलोकेशन टेबल, ये जो है माइक्रोसॉफ्ट फाइल सिस्टम है। इस फाइल सिस्टम को यूज़ किया तो माइक्रोसॉफ्ट को जो है चार्जेस पे करने पड़ते हैं, मतलब अगर हम इस फाइल सिस्टम का प्रयोग करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट से हमको परमिशन लेना पड़ता है, मतलब इसके लिए हमको कुछ पे करना पड़ता है पैसे। अब आगे देखते हैं हम DOS के बारे में, ये मुख्यतः लेक्चर DOS के बारे में ही था परंतु ओवरव्यू जानना जरूरी था पीछे का, हालांकि हमने विंडोज़ के अंतर्गत पढ़ लिया परंतु आप विंडोज़ के लेक्चर नहीं देखे तो आपको ओवरव्यू मिल गया। अगर आप डिटेल में देखना चाहते हैं तो आप विंडोज़ के लेक्चर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। विंडोज़ के लेक्चर आपको कहाँ मिलेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आप प्लेलिस्ट के अंतर्गत जाओगे, यानी कि जो चैनल है चैनल के अंतर्गत प्लेलिस्ट होती है, ठीक है। और प्लेलिस्ट में आप जाकर देखोगे तो आपको मिलेंगे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत 8 या 7 लेक्चर मिलेंगे, तो उसको आप कंप्लीट देख सकते हैं, तो उसका नॉलेज भी आपको मिल जाएगा। अब हम देखते हैं DOS यानी कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो डॉस का पूरा नाम आपको पता चल गया, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और एक प्रकार से माउस बेस्ड नहीं चलता है, यानी कि ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस नहीं है, ठीक है। जीयूआई है क्या? नहीं है, ये है सीयूआई, यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, मतलब हम कीबोर्ड के माध्यम से इसमें इंस्ट्रक्शन देते हैं और वो उसको एग्जीक्यूट करता है, तो इसे हम बोलते हैं सीयूआई, यानी कि कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। और ये लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम था एक समय में, परंतु आज की डेट में आप देख सकते हैं विंडोज 7 है, विंडोज 8 है, विंडोज 10 है, और आगे भी कुछ जो है ऑपरेटिंग सिस्टम आने वाले हैं। तो आज की दृष्टि में हम देखें तो हमारे पास में बहुत अच्छी सुविधा है, परंतु जब हम डॉस का यूज करते थे तो हम कितनी कठिनाई से उसमें कोडिंग करते थे, तो वो हमने नहीं किए तो हमको कठिनाई समझ में नहीं आएगी, परंतु जिन लोगों ने उनमें प्रयोग किए हैं तो उनको पता होगा। सन 1984 में इंटेल 80286 जो प्रोसेसर था उसमें एक माइक्रो कंप्यूटर विकसित किया गया, और इनमें MS-DOS 3.0 और MS-DOS 4.0 वर्जन का विकास किया गया। मतलब किसके लिए? आपको याद रखना है इंटेल 80286, इसके लिए ये जो है 3.0 और 4.0 वर्जन का विकास किया गया था। माइक्रोसॉफ्ट के इस ऑपरेटिंग सिस्टम को डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहा गया, क्यों? क्योंकि अधिकतर इसका काम क्या था? डिस्क को मैनेज करना, मतलब डिस्क से संबंधित जो इनपुट आउटपुट का कार्य करते थे, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विशेष रूप से डिस्क पर, मतलब डिस्क को मैनेज करने के लिए था, इसलिए इसका नाम क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है, मतलब शॉर्ट में हम बोल सकते हैं डॉस, ठीक है। एम एस डॉस एक ऑपरेटिंग यूजर और हार्डवेयर के बीच में मध्यस्थता का कार्य करता है, सिंपल सी बात है। सबसे बेसिक रूप से इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग किया गया था, तो ये क्या करता है? यूजर और जो एक प्रकार से हार्डवेयर होता है दोनों के बीच में कम्युनिकेशन का काम कौन करता है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यहां पे देखिए ये जो है ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को कंट्रोल ही नहीं करता, बल्कि उनके बीच में परस्पर संबंध भी स्थापित करता है। मतलब किसी प्रकार की अगर प्रॉब्लम आई तो वो यूजर को यहाँ पे एरर के रूप में बताता है या फिर कुछ जो है इन्फॉर्मेशन या वार्निंग देता है। एमएस डॉस में कीबोर्ड की सहायता से कमांड दिए जाते हैं, आपको पता होगा हम इसमें जीयूआई यानी कि आइकॉन बेस्ड काम नहीं करते हैं, जो भी कुछ देना है वो निर्देश दिए जाते हैं। निर्देश का मतलब क्या होता है? हम निर्देश को हम कमांड बोल सकते हैं या इंस्ट्रक्शन बोल सकते हैं, तो यहाँ कमांड के रूप में निर्देश दिए जाते हैं, और कमांड दो प्रकार की होती है वो हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और ये कमांड्स को समझता है और साथ में उसके जो प्रोसेस है उसको कंप्लीट करके आउटपुट को प्रदर्शित करता है। अब आगे देखते हैं, जैसे सबसे पहले इसी सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता था हार्डवेयर से कम्युनिकेशन करने के लिए, परंतु आज की डेट में आप देख सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का प्रयोग करते हैं वही लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, परंतु जो बाकी लोग हैं बाकी लोग इसका प्रयोग नहीं करते हैं। और आज की डेट में हम देख सकते हैं विंडोज 8, 10 ये सभी ऑपरेटिंग सिस्टम जो है इसकी शुरुआत की जा चुकी है, मतलब ये वर्तमान में यूज किया जा रहा है, और डॉस जो था शुरुआती तौर पर यूज किया जाता था। अब बात करते हैं डॉस के कुछ वर्जन से। अब वर्जन क्यों आते हैं? मान लीजिए अगर डॉस का वर्जन पहला बनाएगा और उसमें जो है नेक्स्ट टाइम फिर से एक्सपेरिमेंट किया गया और कुछ कमी निकली, कमी निकलने के पश्चात तो उसमें जो प्रॉब्लम्स निकाल कर या उसको अपग्रेड किया जाता है तो उसको एक नए नाम से लॉन्च कर दिया जाता है, तो उसी को हम बोलते हैं वर्जन। तो सबसे पहला जो वर्जन आया था 1.0। अब पहले इसकी कहानी देख लेते हैं। जो MS-DOS था, MS-DOS बहुत समय से तो है, परंतु उसके पहले जब शुरुआती दौर पर इसको लॉन्च किया गया था, मतलब इसको डेवलप किया गया था, किसके द्वारा? एक सेटल कंप्यूटर प्रोडक्ट था उसके द्वारा इसे बनाया गया था। किसके द्वारा बनाया गया था? सेटल कंप्यूटर प्रोडक्ट, इसके द्वारा बनाया गया था। IBM जो कंपनी के PC रहते थे उनके लिए बनाया गया था, और इसका नाम पहला क्या था? QDOS। QDOS का फुल फॉर्म आप देख सकते हैं, क्विकली एंड डर्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। क्विकली यानी कि फास्ट बोल सकते हैं, डर्टी यानी कि गंदा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और बाद में इसको माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा हायर कर लिया गया, मतलब खरीद लिया गया, और उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? माइक्रोसॉफ्ट DOS यानी कि माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कब? 1981 में। उसके बाद आप देख सकते हैं, देखिए वर्जन आया 1.25, 2.0, 2.11, 3. इसके बीच में भी और कुछ वर्जन है वो मैंने नहीं लिया हूँ, देखिए 3.1। उसके बाद यहाँ देखिए कुछ फीचर्स है अपग्रेड करते गए, ज़्यादा आपको लोड नहीं लेना। यहाँ देखिए 4.0 है 1988 में आया है, 7.0 है 1995। अब बात आती है 1995 की, तो 1995 में आपको पता होगा विंडोज़ 95 आ गया था, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए CD बेस्ड विंडोज़ 95 आ गया था, ठीक। और उसके बाद 7.1 आया, और आगे भी कुछ वर्जन आया है, परंतु उपयोगी नहीं है, क्योंकि अब ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया किस बेस्ड पे? GUI बेस्ड पे। तो यूज़र के लिए आसानी हो गई, मतलब पहले उसको सारी चीज़ें इंस्ट्रक्शन को याद रखना पड़ता था, परंतु आज की डेट में वो आइकॉन पर क्लिक करता है और काम कर लेता है, तो बहुत आसानी हो गई। तो उसने डॉस का प्रयोग करना बंद कर दिया। हालांकि कुछ बेसिक चीज़ें हैं उनको करने के लिए आज भी डॉस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो हमने ये वर्जन देख लिए।
अब आगे देखते हैं फ्लॉपी डिस्क और जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, मतलब फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क का जो फिजिकल स्ट्रक्चर होता है उसके बारे में हम देखते हैं। तो यहाँ अगर बात की जाए फ्लॉपी डिस्क और हार्ड डिस्क की, तो फ्लॉपी डिस्क की जो होती है आपके सामने ये नज़र आ रही है, पहले देख लेते हैं हम। देखिए ये जो होती है हार्ड डिस्क और फ्लॉपी डिस्क, इनका प्रयोग किया जाता है एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में। मतलब आपको पता होगा एक होती है प्राइमरी मेमोरी जिसे हम बोलते हैं रैम, और एक और होती है उसके साथ में रोम। ये होती है हमारी प्राइमरी मेमोरी, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी के रूप में काम करती है, परंतु एक और हम एक्स्ट्रा अगर बात करें तो एक्सटर्नल मेमोरी के रूप में बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे हार्ड डिस्क होती है, फ्लॉपी डिस्क होती है, सीडी होती है, जो पेन ड्राइव होती है, मेमोरी कार्ड होता है, ये सभी एक्सटर्नल डिस्क के रूप में। परंतु फिक्स्ड अगर बात की जाए तो हार्ड डिस्क जो होती है सिस्टम के साथ फिक्स्ड रूप में लगी होती है, परंतु फ्लॉपी डिस्क जो होती है पोर्टेबल होती है। और फ्लॉपी डिस्क टू टाइप्स की होती है, कौन कौन सी, मिनी फ्लॉपी हो सकती है और माइक्रो फ्लॉपी। तो यहाँ देखिए मिनी फ्लॉपी हम इसको बोल सकते हैं 3.5 इंच की और 5.5 इंच की, ठीक है लगभग। तो जब पैक रहती है तो इस प्रकार से दिखती है। देखिए ये रीड राइट नॉच दिख रहा है, तो यहाँ हम देख सकते हैं इसको, देखिए सारी चीजें यहां ओपन कर दी गई है। तो अगर इसको ओपन करा जाए तो देखिए नीचे वाला एक पार्ट अलग हो जाता है रीड राइट नॉच, और ये इसका पार्ट यहां पे दिख रहा है हमको रीड राइट नॉच। हार्ड डिस्क का मतलब HD ये होल है, और यहाँ देख सकते हैं देखिए इसके बीच में एक प्लेट लगी होती है, लीनियर नॉन बोबन बोलते हैं, और ये हब है। हब है मतलब यहाँ हम देख सकते हैं देखिए मेन प्लेट्स ये है आपकी, ठीक, जिसमें जिसे हम बोलते हैं मैग्नेटिक डिस्क, यानी कि ये चुंबकीय पदार्थ की बनी होती है जिसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। और इसकी कैपेसिटी काफ़ी कम होती है फ्लॉपी डिस्क की, किसकी तुलना में, CD की तुलना में। तो CD अगर आ गई अभी मार्केट में, CD के आने के कारण फ्लॉपी डिस्क का चलन क्या हो गया, बंद हो गया है। फिर नीचे भी देखिए एक और प्लेट, मतलब एक और सुरक्षा कवच नीचे भी लगा हुआ, और उसके बाद में ये जो है केस, मतलब जो ऊपर का केस होता है जो सुरक्षित रखता है किसको, इस डिस्क को, और यहां पे देख सकते हैं अब ये शटर है, ठीक है। तो इन सभी एलिमेंट से मिलकर हमारी जो है ये फ्लॉपी डिस्क बनती है। हालांकि वर्तमान में इसका चलन बंद हो गया, क्योंकि देखिए जब डॉस का प्रयोग होता था तब फ्लॉपी का प्रयोग होता था, हालांकि विंडोज़ के समय भी फ्लॉपी का प्रयोग चल रहा था, परंतु अभी क्या है वर्तमान में बंद हो गया है, क्योंकि इसकी जो है कैपेसिटी बहुत कम है डाटा स्टोरेज की। तो आगे देखते हैं हम, आप देख लेते हैं हार्ड डिस्क के फिजिकल स्ट्रक्चर की। तो हार्ड डिस्क आपने देखा होगा, हार्ड डिस्क आपको चौकोर बॉक्स के रूप में दिखती है, वो भी पैक होती है, परंतु अगर उसको खोल दिया जाए तो अंदर आप देख सकते हैं इस प्रकार से प्लेटर्स यानी कि डिस्क लगी होती है। तो इनको हम बोलते हैं प्लेटर्स, ठीक है। और प्लेटर्स जो होती है एक सिलेंडर के फॉर्म में, देखिए आप एक सिलेंडर देख रहे हैं यहाँ पे, एक सिलेंडर के फॉर्म में यहाँ पे एक के ऊपर एक क्या होती है यहाँ जुड़ी होती है, और इस जो भाग है जहाँ पर ये जुड़ी होती है इसे हम बोलते हैं स्पाइंडल। और एक और चीज़ आप देख रहे हैं यहाँ पे, एक और चीज़ लगी है ये देखिए, जो डाटा को रीड राइट करने का काम करती है। तो ये डाटा को रीड राइट करने के लिए आर्म असेंबली होती है, और इसके अंतर्गत जो लगे होते हैं उसे हम बोलते हैं रीड राइट हेड, ठीक है। जो डाटा को मतलब डिस्क में जो डाटा है उसको रीड और राइट करने का काम करते हैं। रोटेट होती है, देखिए रोटेट होने का काम, मतलब ये जो डिस्क है वो रोटेट होती है, ये आर्म हमने बोल दिया आर्म असेंबली है। अब ये जो होती है प्लेटर्स बोलते हैं हमें, प्लेटर्स या फिर डिस्क बोल सकते हैं, और ये जो जो वाला भाग है ये वाला, ये सिलेंडर कहलाता है, ठीक है। अब ट्रैक और सेक्टर की बात आई, तो ट्रैक का मतलब क्या होता है, पूरा कंप्लीट जो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो डिस्क बटी हुई है इसमें पूरा गोल वाला, उसे हम बोलते हैं ट्रैक। और सेक्टर किसे बोलते हैं, जो कंप्लीट भाग है उसका छोटा सा पार्ट, ये देखिए सेक्टर्स में बटा हुआ, छोटे छोटे पार्टीशन बनी हुई, इन पार्टीशन को बोलते हैं क्या, सेक्टर। तो ट्रैक और सेक्टर को बनाने के लिए, मतलब आपने देखा होगा हम मेमोरी कार्ड को फॉर्मेट कर देते हैं, हम हार्ड डिस्क को फॉर्मेट कर देते हैं, तो ये ट्रैक और सेक्टर को बनाने के लिए हम उसे फॉर्मेट करते हैं। फॉर्मेट करने का मतलब डाटा डिलीट नहीं होता है, फॉर्मेट करने का मतलब उसे इस योग्य बनाना कि वो डाटा को सही तरीके से स्टोर कर सके। मतलब ट्रैक और सेक्टर को सही करने के लिए हम फॉर्मेटिंग करते हैं हार्ड डिस्क की, मेमोरी कार्ड की, कोई भी चीज़ की हम फॉर्मेटिंग करते हैं। तो फॉर्मेटिंग आपको पता होगा जब आप MS वर्ड में पढ़ते हैं, और अगर आपको फॉर्मेट करने बोला जाए तो क्या डाटा डिलीट करना होगा क्या, नहीं, उसे सजाना होगा। सजाना मतलब आकर्षक बनाना, ताकि यूजर उसे आसानी से पढ़ सके, तो उसका मतलब भी यहां वही होता है। तो अब आगे चलते हैं हम, देखिए जो हार्ड डिस्क यानी कि डिस्क है उसके बारे में देख लेते हैं। तो यहां देखिए डाटा को व्यवस्थित रखने के लिए डॉस मेमोरी डिस्क को दो भागों में बांटता है, कौन कौन से, एक तो सिस्टम एरिया होता है और दूसरा डाटा एरिया होता है। तो पहला बात करते हैं हम सिस्टम एरिया की, तो सिस्टम एरिया जो होता है यह कुल जो टोटल डिस्क है 100% मान लीजिए,
तो उसका बहुत छोटा हिस्सा है, यानी कि उसमें से 2% बस रहता है। कौन सा? सिस्टम एरिया, जो कि मूल जो स्ट्रक्चर होता है, मतलब मेन स्ट्रक्चर, जहां से जहां डेटा स्टोर किया जाना है, तो उसके स्ट्रक्चर को कितने में स्टोर किया जाएगा? ओनली 2%, मतलब 100% में से ओनली 2% भाग क्या होगा? सिस्टम एरिया। और सिस्टम एरिया में 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से? ये देखिए, बूट रिकॉर्ड को मैनेज करता है, फेट यानी कि फाइल एलोकेशन टेबल होता है, रूट डायरेक्टरी यानी कि हमारी सी ड्राइव हो सकती है, ठीक है। और सी ड्राइव के पहले आपको पता है कौन सी ड्राइव आती थी? ए ड्राइव आती थी और बी ड्राइव आती थी। तो उसी प्रकार आपने देखा होगा, जब भी यहाँ पे हम सिस्टम को ओपन करते हैं, यानी कि कंप्यूटर सिस्टम, जो माय कंप्यूटर है उसको ओपन करते हैं, तो हमको दिखता है सी ड्राइव से स्टार्ट हुआ। तो दो ड्राइव जो हमारी एलोकेट होती है, ए और बी, फ्लॉपी डिस्क के लिए। हालांकि फ्लॉपी का प्रयोग बंद हो चुका, फिर भी हमारा सी से चल रहा है। तो हम एक एक करके जानते हैं, बूट रिकॉर्ड क्या होता है, फेट क्या होता है और रूट डायरेक्टरी क्या होती है। तो बूट रिकॉर्ड जो होता है, बूट रिकॉर्ड आपको पता है, हम आगे पढ़ेंगे बूटिंग प्रोसेस। तो बूट रिकॉर्ड जो होता है, एक तरीके से जो पार्टीशन होता है, पार्टीशन सेक्टर भी इसे हम बोल सकते हैं, यह है 512 बाइट के आकार का एक बूट सेक्टर होता है, जिसे डिस्क के, मतलब जिसके लिए जो होता है डिस्क के पहले सेक्टर का उपयोग किया जाता है। सेक्टर आपने समझ गया, देखिए ट्रैक होता है, ट्रैक पूरा गोल राउंड होता है, ठीक है। ये गोल राउंड क्या होगा? ट्रैक होगा, परंतु ये छोटे छोटे पार्ट जो बट रहे हैं, ये वाले, ये कहलाते हैं सेक्टर, ठीक है। तो यहाँ हम देखिए, निम्न में से एक या एक से अधिक जानकारी रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिए, डिस्क का प्राइमरी पार्टीशन टेबल रखने के लिए, कंप्यूटर स्टार्ट करने की प्रक्रिया के लिए आवश्यक मशीन कोड, निर्देशों को रखने के लिए जो डॉस को डिस्क से रैम में स्थापित करें, मतलब अगर डॉस की बात करें तो डॉस जो होता है हार्ड डिस्क में होता है, और उसको रैम में लाने के लिए हम एक तरीके से यहाँ देखिए बूट रिकॉर्ड रखते हैं। और डिस्क की पहचान के लिए बनाए गए 32 बिट डिस्क सिग्नेचर को रखने के लिए, बूट रिकॉर्ड में डिस्क का मेमोरी स्पेस विवरण के लिए। तो ये बहुत सारी बूट के जो सारे रिकॉर्ड होते हैं, जो भी डाटा होता है बूटिंग का, वो सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए बूट रिकॉर्ड का प्रयोग किया जाता है। अब बात करते हैं उसी का नेक्स्ट पार्ट, फैट यानी कि फाइल एलोकेशन टेबल। ये सिस्टम एरिया का दूसरा भाग माना जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? फाइल एलोकेशन टेबल। और ये संक्षेप में हम इसे, आपको पता है फैट बोला जाता है, यह टेबल अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि डाटा एरिया में कौन सी फाइल कहाँ संग्रहित किया जानी है और किस प्रकार, मतलब इसका जो है पूरा रिकॉर्ड जो होता है फेट में, यानी कि फाइल एलोकेशन टेबल में होता है। इसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ रूट डायरेक्टरी होती है। तो रूट डायरेक्टरी हम देखते हैं, देखिए कंप्यूटर के फाइल सिस्टम के डायरेक्टरी श्रृंखला में पहली डायरेक्टरी रूट डायरेक्टरी कहलाती है। इसे हम बोलते हैं मूल डायरेक्टरी, मतलब बेस डायरेक्टरी हम बोल सकते हैं। जैसे जब जो हमारा डॉस है इस प्रकार खुलकर आता है, तो रूट डायरेक्टरी हमारी क्या होगी? सी ड्राइव हो गई। जिस प्रकार पेड़ में उसकी जड़ जो होती है आरंभिक बिंदु होती है, और जड़ से ही पेड़ की सभी शाखाएं विकसित होती है, उसी प्रकार फाइल सिस्टम में रूट डायरेक्टरी प्रारंभिक बिंदु होता है, और सभी डायरेक्टरी सब डायरेक्टरी इसी से निकल कर आती है। तो हम बोल सकते हैं रूट डायरेक्टरी मेन डायरेक्टरी होती है। दूसरा एरिया हमने देखे थे डाटा एरिया। तो डाटा एरिया जैसे 2% हो गया सिस्टम एरिया, तो बचा कितना? 90%। तो 90% एरिया जो होता है डाटा एरिया के रूप में, मतलब फाइलें कहाँ संग्रहित की जाएगी, कितनी फाइलें कहाँ संग्रहित की गई, सारी चीज़ें मैनेज करते हैं 98% भाग में। संपूर्ण डिस्क, छोटे छोटे क्लस्टर, मतलब आप क्लस्टर की अगर बात की जाए, तो ये हो गया हमारा क्या, ये ट्रैक हो गया, और ये हो गए हमारे सेक्टर, ठीक है। तो ये 3-4 सेक्टर से मिलाकर हम एक प्रकार से क्लस्टर बोल सकते हैं इसे, क्लस्टर, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे, देखिए 3-4 सेक्टर को मिलाकर हम क्लस्टर, मतलब छोटे छोटे क्लस्टर में, जिसे फाइल अपने आकार के अनुसार एक से अधिक क्लस्टर में संग्रहित हो सकती है। अगर बड़े आकार के तो ज़्यादा क्लस्टर लगेंगे, और अगर कम साइज़ की फाइल है तो छोटे क्लस्टर में वो स्टोर हो जाएगी। अब देखिए डॉस प्रॉम्प्ट की अगर बात करें, तो डॉस प्रॉम्प्ट जो होता है, देखिए आप जब डॉस स्टार्ट करेंगे CMD, मतलब कमांड प्रॉम्प्ट या CMD स्टार्ट करोगे आप एक्सेसरीज में जाकर, तो आपको कुछ इस प्रकार से आएगा, ये कहलाता है डॉस प्रॉम्प्ट, ठीक है। डॉस प्रॉम्प्ट मतलब कमांड लिखने के लिए हम तैयार होगा। ड्राइव नेम, तो ड्राइव नेम की अगर बात करें, तो सबसे शुरू में A आता था, और अगर अभी बात करें तो C आता है, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ C आ रहा है, तो अभी वर्तमान में C आ रहा है, और इसको हम बोलते हैं डॉस प्रॉम्प्ट, मतलब मेमोरी में लोड हो गया है। जब हार्ड डिस्क से डॉस रैम में स्टोर हो जाता है, रैम में लोड हो जाता है, तो हम बोल सकते हैं वो कमांड प्रॉम्प्ट को प्रदर्शित करेगा, यानी कि वो हमारी कमांड को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है। तो इसे हम बोलते हैं सिस्टम प्रॉम्प्ट, या फिर डॉस प्रॉम्प्ट बोल सकते हैं, जो A में भी आ सकता है और C में भी आ सकता है। A के बाद अगर एक और जो है फ्लॉपी, तो हम B में भी ला सकते हैं, और अगर C की बात करें, तो C के बाद D, E या जो भी है वो ड्राइव में नाम दिए जा सकते हैं। तो अब हम देखने वाले हैं बूटिंग प्रोसेस। तो बूटिंग प्रोसेस हम इसमें नहीं देखेंगे, बूटिंग प्रोसेस देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा अगर हम इसमें बूटिंग प्रोसेस देखेंगे, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बूटिंग प्रोसेस और उसके आगे के जो भी चीज़ें हैं वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।